हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू गेम खेलने जा रहे हैं, जो कि एक हमारे अपने डूड थेफ्ट वॉर्स गेमर, जिनका नाम आज मैं ले लूँगा, तो उनका नाम है भाई उनके चैनल का टेक्नोजी गेमर। सो मैंने उनसे कई बार डिस्कॉर्ड सर्वर पे और इंस्टाग्राम पे भी बात की है, तो हमारी बात जो है कभी कभी होती रहती है। सो भाई मैं उनके चैनल जो है देखता रहता हूँ, आप लोग भी देखते ही होंगे, अच्छे यूट्यूबर है, 2.5 लाख भाई बंदे के सब्सक्राइबर हो गए। सो सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा उसको, कि भाई उस बंदे ने इतनी मेहनत की और उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है एक सब्सक्राइबर्स का। सो इतने सारे उसने ले लिए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और सेकेंडली आज मैं उसके एक न्यू गेम को रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो इसने भाई अभी रिसेंटली एक नया गेम बनाया है, जिस गेम का नाम है डूड एंड रेस सिमुलेटर। सो ये गेम उसने अपने चैनल पे जब एक कम्युनिटी पोस्ट लगाया कि भाई उसका एक गेम लॉन्च हो चुका है, जो कि यूनिटी से उसने बनाया, यूनिटी जो एक सॉफ्टवेयर है जिससे गेम बनता है, सो उसने यूनिटी से बनाया, लेकिन बहुत मेहनत की है बंदे ने उस गेम को बनाने में। मैं इसको सुबह से खेल रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक रिव्यू भी करना चाहिए इस गेम का, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना छोटे चैनल्स, फॉर एग्जांपल मतलब जिनके 5, 10, 185, 200 सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस गेम को खेल के जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बट मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी गेमर अपना ही एक कम्युनिटी गेमर है, अपना ही डूड थेफ्ट वॉर्स गेमर है, हम भी डूड थेफ्ट वॉर्स खेलते हैं, वो भी खेलता है, और उस बंदे ने भाई मेहनत करके एक जो है नया गेम बनाया है। सो यार मैंने सोचा इसको रिव्यू करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कैसा गेम है और इसमें क्या क्या कोई इशू या बग है। सो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी गेमर आपको बहुत बहुत जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स आई थिंक हो गए हैं, वैसे मुझे सही से पता नहीं है। और सेकेंडली आपने जो गेम बनाया है, वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स वाला गेम बनाया है इन्होंने। और अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा भाई टेक्नोलॉजी गेमर। और फिलहाल यार ये गेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका नाम है डूड एंड रेस सिमुलेटर। सो इन्होंने डूड थेफ्ट वॉर्स से इंस्पायर होकर पूरा सिटी बनाया है, और इसके नेम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। और यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स आ रही है। अगर मैं इस गेम को रिव्यू करना शुरू करूँ तो अभी देखें यहाँ पे एक साइड में इन्होंने शॉप बनाई है, और बहुत ही अच्छी शॉप है ये, शायद कोई आई थिंक ये स्मार्टफोन की कोई शॉप है। यस, एंड ये है बैगल लैंड। ओके, बहुत ही अच्छी शॉप, गुड। बट यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनाई है, और भाई यहाँ पे इन्होंने जो सबसे पहले कार दी है, जो कि नॉर्मली शुरू में आपको बिना किसी चीज़ के मिलती है, वो इन्होंने लैम्बोर्गिनी, आई थिंक कौन सी वाली लैम्बोर्गिनी है, आगे का नज़र नहीं आ रहा असल में। सो पीछे से तो मुझे ये यार हुरकैन या फिर सेंटेनेरियो लग रही है आई थिंक, बट जो भी है लेकिन इन्होंने लैम्बोर्गिनी दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये गेम वैसे अच्छा लग रहा है मुझे, और हाँ वैसे अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स आ रही है इसकी। और जो है यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स में देखा है, लोगों के थंबनेल्स में देखा है कि इसमें एक रेड कलर की कार भी होती है। सो पता नहीं वो रेड कलर की कार अभी कैसे मिलेगी। वैसे इसमें जो है इन्होंने फीचर्स की बात करें तो इन्होंने ये आगे रेस का है, ये ब्रेक है, और रिवर्स भी यही है, और ये जो है नाइट्रो है लेफ्ट हैंड पे, उसके ऊपर जो है वो गाड़ी वापस से सेट हो जाती है। एंड यहाँ पे जो है राइट हैंड पे ब्रेक है, एंड ऊपर स्पीड दी हुई है, और सबसे ऊपर जो बटन है उससे आपका कैमरा एंगल चेंज होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटिक्स कैमरे भी हैं, कैमरा एंगल है, और जो है बहुत अच्छा गेम लगा है मुझे तो अभी तक ये। एंड कोई भी मुझे इसमें इशू नज़र तो नहीं आ रहा है, बट मैंने जब प्ले स्टोर पर इनका गेम देखा तो उसमें जो रिव्यू, जो आंसर, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें एक बंदा कह रहा था कि इसका जो है ना जैसे कहीं पे गाड़ी फंस जाती है पहाड़ या किसी बड़े पत्थर में, तो जो है वो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वैसे मुझे कोई इशू तो नहीं लगा, क्योंकि वो आप इस ये जो आपको बटन दिया हुआ है सबसे लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर की तरफ, इससे आप जो है वापस कर सकते हो उस कार को। बट इसमें कोई मुझे मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। वैसे आई विल अप्रिशिएट यू टेक्नोलॉजी गेमर, यू हैव मेड अ वेरी बेस्ट गेम फॉर यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स एंड ऑडियंस। सो आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा गेम बनाया है। वैसे मैं भी इसको सुबह से खेले जा रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। सो वैसे बहुत अच्छा गेम बनाया है, और इन्होंने आज ही शायद आज या 2 दिन पहले इसको लॉन्च किया है, सो रिलीज़ किया है। सो आज ही आज इसमें 500 प्लस डाउनलोड्स आ गए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छी बात होती है। और वैसे मैंने सोचा कि यार इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकी मेहनत लगी होगी। आप लोग देखें
हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हम लोग जो है कोई भी गेम खेल लेते हैं ईजीली, लेकिन हम ये नहीं देखते उस गेम में जो चीज़ें नज़र आ रही है उसको बनने में कितनी मेहनत लगी होगी। सो ये चीज़ कोई नहीं देखता। सो इसलिए मैंने सोचा यार इस बंदे ने बहुत ही अच्छा गेम बनाया है। सो यहाँ पे एक बड़ा सा ऑफिस टाइप या फिर स्कूल टाइप है ये, या फिर कोई बड़ा सा प्राइम मिनिस्टर हाउस लग रहा है। यस सो इधर भी इधर 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 इधर। सो मैं इसकी जो बहुत ही बड़ी सिटी बनाई है भाई इन्होंने, और अच्छी खासी मेहनत लगी होगी। और अगर टेक्नोलॉजी गेमर आप हमें देख रहे हैं तो मुझे जरा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस गेम को बनाने में कितना टाइम लगा है, मतलब कितने महीने या फिर कितने दिन लगे, तो आप ज़रूर बताइएगा टेक्नोलॉजी गेमर हमें। एंड यस या गाइस, यहाँ पे पीछे का भी एक एरिया है, बट इसमें यार अगर आप एक चीज़ ऐड करो तो बहुत अच्छा, वैसे तो गेम बहुत अच्छा है, बट अगर आप एक चीज़ ऐड करो तो जो है इसमें करेक्टर बनाओ, ओनली कार अगर ना होना तो ज़्यादा सही है। वैसे गेम बहुत अच्छा है, ऐसे भी अच्छा लगता है, बट मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप इसमें ना करेक्टर भी बनाओ। और भाई एक चीज़ मैंने अभी देखी ही नहीं, ऊपर देखिए स्पीडोमीटर पे ना जब मैं रिवर्स करता हूँ तो लिखा हुआ भी आता है, और न्यूट्रल पे डालता हूँ तो न्यूट्रल भी लिखा हुआ आता है, और जब फर्स्ट गियर पे जाती है फर्स्ट गियर भी लिखा हुआ आता है, सेकंड गियर पे भी लिखा हुआ आ रहा है। ओ भाई ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है, मतलब ये तो मैंने देखा ही नहीं था। एंड अभी थर्ड गियर है, एंड अभी जो है नाइट्रो मार के जो है फोर्थ गियर आ गया है, और भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सो वेरी नाइस गेम आई हैव एवर सीन। सो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं सोचा था यार ऐसा ही होगा कोई गेम, लेकिन यार इसकी ड्रिफ्ट भी आप लोग चेक करें, लैम्बोर्गिनी कितनी अच्छी ड्रिफ्ट मार रही है, पूरी ड्रिफ्टी रेसर लग रही है। एंड मुझे तो लग रहा है ये ड्रिफ्टी रेसर और लैम्बोर्गिनी का मिक्सचर है। सो स्पीड लैम्बोर्गिनी वाली है एंड ड्रिफ्ट, और भाई एक ऊपर हेलीकॉप्टर भी है। अच्छा ड्रिफ्ट ना ड्रिफ्टी रेसर वाली है, और जो है स्पीड जो है लैम्बोर्गिनी वाली है, और देखिए स्पीड ड्रिफ्ट कितनी अच्छी लगती है वो भी स्पीड के साथ ही, और बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है बहुत। यस सो आई विल अप्रिशिएट यू। हाँ अच्छा, तो वो बंदा ये कह रहा था कि जैसे पहाड़ों में फंस जाती है ना तो ये निकलने में बहुत मुश्किल होती है। सो वैसे दिस इज़ नॉट अ इशू, इट्स डिपेंड ऑन यू दैट यू रीसेट योर कार और नॉट। ओ यहाँ पे पुल भी है, एक ब्रिज भी बनाया है भाई यहाँ पे एक इन्होंने। ओ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार इस गेम में जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी। और फायर डिपार्टमेंट भी बना, एक मिनट मैंने कुछ देखा शायद। ओ सही है कोई मसला नहीं। सो मैं समझे फ्री डिपार्टमेंट लिखा हुआ। सो यस बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त भाई, मतलब के मज़ा आ गया गेम में। अच्छा मैं समझे कोई बग है। ओ तो यहाँ पे जो हम लोग रीसेट करके जो है ना कार को निकाल सकते हैं। यस बट अभी जो है यहाँ पे फंस गई है शायद। सो वैसे बहुत अच्छा गेम है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यार टेक्नोलॉजी गेमर को ज़रूर जो है अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको इस गेम को बनाने में कितने दिन या कितने महीने लगे। और यस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।